हेलो, वेलकम टू शनाई फैब्रिक आर्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बनाएंगे ट्राउज़र का बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन। सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया है और उस पर हमने ये बुकरम ज़ीरो साइज़ की बुकरम पेस्ट कर ली है। और इस फैब्रिक की विड्थ है 6.5 और इसकी लेंथ है 20 इंचेस। ये देखें, अब हम इस फैब्रिक पर इस तरीके से स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इस लाइन को इस तरीके से पकड़ते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी चौड़ी वाली पेंटेक्स रेडी हो जाएगी इस तरीके से। अब हमें नेक लाइन पर ये गोटी पट्टी की सिलाई लगा देनी है। ये देखें, अब फिर अगेन हम ये लाइन लेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। हमारी एक पेंटेक्स और एक गोटा पट्टी की लाइन, एक पेंटेक्स और एक गोटा पट्टी की लाइन इस तरीके से लगाने के बाद हमारा ये पैच रेडी हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिल सकें और आप हमारे न्यू डिज़ाइन देख पाएँ। तरीके से ये हमने अब पूरा पैच तैयार कर लिया है। अब ये अपनी हम ट्राउज़र की राइट साइड लेंगे। ये मैंने फैब्रिक सिल्क में लिया है, ये फैब्रिक शैंतून है, तो मैं इसे इस पर ये पैच नीचे से जॉइन नहीं करूँगी। मैं इसी के ऊपर इसे रखते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा हल्का होता है तो मैं इसमें इनर यूज़ नहीं कर रही हूँ और इसमें मैं ऊपर ही इसके साइड ये पैच ज्वाइन करूँगी। इस तरीके से इसे रखते हुए इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अभी हम एक 3-3 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे। सबसे पहले हम ये पैच पक्का कर लेंगे। इस पर हम ये 8 पिन आर पिन लगा देंगे जिससे ये पैच हमारा हिले डुले नहीं तरीके से। ताकि हमारा ये पैच सेट हो जाए आर पिन की हेल्प से। अब हम इस पट्टी को रोंग साइड रखते हुए इस तरीके से इसी सिलाई पर अगेन सिलाई लगा देंगे। ये मैंने ट्राउज़र 1 इंच लेंथ में कम रखा था तो ये मेरा अब 1 इंच इस पट्टी के हेल्प से कवर हो जाएगा। ये देखें, अब हम इस पट्टी को राइट साइड की तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम एक लेस लेंगे। आप कोई भी लेस ले सकते हैं। ये मैंने अपनी इस पर जिस तरीके की एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने इस
उसी तरीके की गोल्डन और सिल्वर में ये लेसें ली हैं मैंने, अपने एक सूट के मैचिंग ये लेसेस ली हैं। आप अपने सूट के मैचिंग ले सकते हैं। प्लीज़ वीडियो पर बने रहें और पूरा देखें, स्किप ना करें। इस तरीके से हम अगेन इसके नीचे इस लेस को अगेन इस पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इस तरह से अब हम हाफ इंची का मार्क लगाएंगे इस पैच पर और इसे स्केल की हेल्प से इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसे हम ये हाफ हाफ इंची अंदर की साइड फोल्ड कर सकें। इस तरह से अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से ही। अच्छा, इस पैच को आप तैयार करने के बाद इस पर आयरन कर लें। मैंने भी आयरन की थी, सॉरी मैं ये बता नहीं पाई। आयरन से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी पैच पर। अच्छा, अब हम अगेन इस लेस को लेंगे और इसी तरह सेम जैसे हमने नीचे की साइड सिलाई लगाई है, दो लाइन बनाई है इस लेस की, इसी तरह हम ऊपर भी ये दो लाइन बना लेंगे। अच्छा, अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा हमारा भी दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई कि हमने भी कुछ डिज़ाइन किया है। अच्छा, इस तरीके से हम अगेन इस तरीके से हम अगेन सिलाई लगा लेंगे और ये देखें हमारा डिज़ाइन रेडी है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।